काफ़ी टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है स्पेसिफिकली फॉर इंडियन नेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो सब क्लास फोर थ्री वीजा था ऑस्ट्रेलिया ने उसकी एक न्यू स्ट्रीम लॉन्च की है विच इज मेथ्स हाई माई नैम फ्राम द माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया ने अपने सब क्लास फोर थ्री वीजा के अंदर एक न्यू स्ट्रीम लॉन्च की है दैट इज मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम ऑल्सो नोन एज मेट्स ऑस्ट्रेलिया ने जो सी ये स्ट्रीम जो है लॉन्च की है ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है इंडियन नेशनल्स को इसमें जो अच्छी चीज़ है जो गुड न्यूज अबाउट दिस वीजा इज के ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया है कि उन्होंने 3000 सीट्स जो हैं वो एलोकेट किए हैं फॉर दिस टेम्परेरी वीजा के लिए और ये रहेंगी 3000 सीट्स एवरी ईयर वट यू कैन डू ऑन दिस वीजा नंबर वन इज़ के आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं काम कर सकते हैं सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के आप अपनी फैमिली को भी इस वीजा पे साथ लेके जा सकते हैं नंबर थर्ड इज के इस वीजा में कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है सो so, आप ट्रैवल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम ऑस्ट्रेलिया में एंड मल्टीपल टाइम ऑस्ट्रेलिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया ने जो ये मेट्स जो स्ट्रीम है जो इंट्रोड्यूस की है इसका जो प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप इज के सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है इन अ बैलेट बैलेट का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है स्ट्रीम के लिए एक बैलेट कैटेगरी जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है उस बैलेट के प्रोसेस के थ्रू ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो थ्री थाउजेंड जो टेम्परेरी सीट इन्होंने एलोकेट किए हैं फॉर दिस वीजा वो पिक करेगा ये बैलेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर ट्वेंटी से रजिस्ट्रेशन so, के लिए सबसे पहले आपको एक फी पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन फी जो है बैलेट की दैट इज़ इस स्ट्रीम को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो है वो पहले मीट करना पड़ता है नंबर वन इज के आपके पास इंडियन नेशनल पासपोर्ट हो सेकेंड इज़ के आपके पास पैन कार्ड हो पैन कार्ड इज बेसिकली आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है जो आपका इंडियन गवर्नमेंट जो इशू करती है वो होना चाहिए थर्ड इज के आपकी जो सी एज है दैट इज फॉलिंग अंडर टू थर्टी ईयर्स की एज में अंडर फॉल कर रही हो

जब जब आप आप करवाते हैं हैं में and ballot जब आपका हो जाता है है तब ही आपको होता फिर अपना करते थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज के जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है फॉर स्ट्रीम नंबर वन ये है कि अगर आप आइल्स देते हैं तो आइल्स में आपका सिक्स बैंड आया हो ओवरऑल नो लेस देन फाइव आया हो आपका अगर आप पी ही देते हैं तो पीटी में आपका 50 बैंड ओवरऑल आया नो लेस देन 36। सिक्स सपोज कि आपका बैलेट जो है वो अप्रूव हो गया हुआ है एंड आपको जो है आई टी रिसीव हो गया विच इज़ इनविटेशन टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा नेक्स्ट स्टेप इज इसके आप वीज़ा लॉन्च करते हैं वीज़ा लॉन्च करते वक्त इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ दैट कि जब आप वीजा लॉन्च करें तो आपको आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए इनसाइड ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए क्योंकि इस एलिजिबल वीज़ा की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया यही है कि आप जब यह वीज़ा लॉन्च करें तब आपका ऑस्ट्रेलिया से बाहर होना बहुत ज़रूरी है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके जब आप अपना वीज़ा लॉन्च कर रहे होते हैं तो तब तभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करते हैं बैलेट के टाइम पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड नहीं करते आप तब इंक्लूड करते हैं जब आपको आई रिसीव हो जाता है एंड देन आप वीज़ा की तरफ जा रहे होते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो कि जब आप अपना ये वीजा जो है लॉन्च कर रहे हो कि आपकी और आपकी फैमिली मेंबर्स का करेक्टर एंड हेल्थ जो रिक्वायरमेंट है, है वो मीट कर रही है इस वीजा की जो लेंथ है दैट इज अप टू टू ईयर्स एंड इस वीजा की जो कॉस्ट है दैट इज डॉर थ्री हंड्रेड एंड सिक्स इधर एक जो इम्पोर्टेंग टू माइंड इज दैट के सिक्स जो आप पे कर रहे हैं दैट योर वीजा फी उससे पहले आपको एक बैलेट की रजिस्ट्रेशन की फी पे करनी पड़ती है दैट दैट इज इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वीजा की जो लेंथ है अप टू इयर्स और ये जो वीजा आपको जो वीजा ग्रांट होता है ये नॉन एक्सटेंडेबल होता है मींस कि आपको सिर्फ टू इयर्स का ही मिलता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मजीद टाइम के लिए और रहना चाहते हैं तो देन आपको दूसरा कोई और वीजा अप्लाई करना पड़ता है इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चन और क्यूरीज डू अस बिलो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू